नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष खांबे और मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस रीरन क्लासेस के चैनल पर। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम हर रोज कोई ना कोई ऐसा टॉपिक लेकर आते हैं जो कि एमपीपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, महत्वपूर्ण नियुक्तियां। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक करेगा, जिससे आपको हमारी वीडियोस का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के साथ। सुधीर भार्गव, भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी सुधीर भार्गव देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त CIC 1 जनवरी 2019 से बनाए गए हैं। सुधीर भार्गव, रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC ऑफ द कंट्री फ्रॉम January 1, 2019। वी के यादव, दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक रहे वी के यादव रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष 1 जनवरी 2019 से बनाए गए हैं। वी के यादव द जनरल मैनेजर ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे वॉज मेड द न्यू चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड फ्रॉम 1 जनवरी 2019। विजेंद्र पाल सिंह, टीवी धारावाहिक CID के निर्माता निर्देशक विजेंद्र पाल सिंह पुणे स्थित फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के गवर्नर बोर्ड के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। विजेंद्र पाल सिंह, प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऑफ टीवी सीरियल CID, विजेंद्र पाल सिंह हैज बीन मेड द न्यू चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे। माधवी गोराडिया, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता माधवी गोराडिया दीवान को सरकार ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त की जाने वाली वह तीसरी महिला है। ऐसी नियुक्ति पाने वाली पहली महिला इंदिरा जयसिंह थी, जबकि दूसरी महिला पिंकी आनंद है जो अभी भी इस पद पर बरकरार है। माधवी गोराडिया, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट माधवी गोराडिया दीवान हैज बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट एज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। शी इज द थर्ड वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव सच एन अपॉइंटमेंट वॉज इंदिरा जय सिंह, वाय द अदर वुमेन इज पिंकी आनंद who still retains this position. W.V. Raman, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज W.V. Raman भारत की महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं। W.V. Raman, former Indian opener W.V. Raman has been appointed the new chief coach of women's क्रिकेट टीम ऑफ इंडिया। संदीप सोमानी, सैनिटरी उत्पादों की फर्म HSIL के चेयरमैन संदीप सोमानी सत्र 2018-19 के लिए उद्योग व्यापार जगत के संगठन फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। संदीप सोमानी, Chairman of the sanitary products firm HSIL, has been appointed as the new chairman of FICCI, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, for the year 2018-19. Manu Sahani ko 15 January 2019 ko International Cricket Council ICC ka naya CEO banaya gaya. साहनी जुलाई 2019 में एक दिवसीय वर्ल्ड कप के बाद ICC के वर्तमान CEO डेविड रिचर्डसन का स्थान लेंगे। मनु साहनी वॉज मेड द न्यू CEO ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ऑन January 15, 2019। साहनी विल रिप्लेस द करंट ICC CEO डेविड रिचर्डसन आफ्टर द वन डे वर्ल्ड कप इन जुलाई 2019। प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने 23 जनवरी 2019 को अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को औपचारिक तौर पर राजनीति में लाकर महासचिव बनाया, साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनाव प्रभावी बनाने की भी घोषणा की है। प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट राहुल गांधी फॉर्मली मेड हिज सिस्टर प्रियंका गांधी वाड्रा ऑफिशियली इन पॉलिटिक्स ऑन जनवरी 23, 2019
by appointing her as General Secretary. Along with this announcement, made her in charge of Eastern Uttar Pradesh Lok Sabha election. तो दोस्तों इसी के साथ आज का हम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं जो कि MPPSC एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए, ये हमें और हमारी टीम को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो प्लीज़ वो रेड वाला बटन जो सब्सक्राइब का है उसको क्लिक कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे आपको हमारी वीडियोज़ का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, स्पेशली उन लोगों के साथ ये वाली वीडियो ज़रूर शेयर करिए जो MPPSC का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। दोस्तों स्टडीज़ करते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।